कशिश ये लड़का कौन है? कशिश ये लड़का कौन है तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ? यार कौन है तू? मिसी दे किते गलत रिलेशन होंदे आ जिहदे खातर बीते काफी सालों तो एक दूजे तो अलग रहिंदे आ, कदी कदी आंदे जांदे सी। कब से है तुम्हारी लाइफ में पहले बताओ, कब से है तुम्हारी लाइफ में? कौन है तू? रोता था, परी ने मेरे को बताया, परी ने बताया कहते पापा रोते हैं रात को, पापा रोते हैं, तेरी मम्मी ने मेरे को यूज किया, वो गंदे अंकल के साथ रहती है। क्या नाम है? तू करता क्या है बता तो दे, तू करता क्या है बता तो दे, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तू क्या करता है, क्या करता है तू, काम क्या करता है तो बता दे। हमारे पास वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, और एक लड़के के साथ नहीं है सर, कईयों के साथ है। साहिल अत्री है, जंगबाज है, जंगबाज के खिलाफ मेरे देवर डॉक्टर पंकज वर्मा ने FIR भी कराई है सेक्टर 34 में। किसकी शादी में मिले हो? असी किसी ने नहीं दसा, मैनू तो वैसे पता भी नहीं सीगा, वो दसदा नहीं सी, बिल्कुल नहीं दसदा सी, कोई गलो सोचदा सी, आ जे मेरी इज्जत रह जे। इसका हस्बैंड हुए कौन है? ये है कौन? फिर खेर दिया, वो इतना टेंशन में थे, इतना टेंशन में था। छोटी से बड़ा ने कहा, छोटी उम्र में 35 साल की उम्र में लीवर खराब नहीं हो सकता, ऐसी कोई दवाई इसने खाई है जो लीवर के ऊपर अटैक करा। कौन सा कुछ नहीं है इसका, तू मैं कह रहा हूँ तू लड़ लेगा ना, कोई बात नहीं मैं लड़ भी दूंगा। ये डिप्रेशन च गया सी मुंडा, ये पहाड़ जिन्ना डिप्रेशन सी इहदे शरीर ते दिमाग ते, तां ये मुंडे दा लीवर खराब होया। कशिश ये लड़का कौन है? कशिश ये लड़का कौन है तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ? यार कौन है तू? कब से है तुम्हारी लाइफ में पहले बताओ, कब से है तुम्हारी लाइफ में? कौन है तू? क्या नाम है? तू करता क्या है बता तो दे, तू करता क्या है बता तो दे, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तू क्या करता है, क्या करता है तू, काम क्या करता है तो बता दे। क्लब में जाती थी, पीती भी थी, मेरी पोती ने खुद गाया था, ड्रिंक करती थी बनने। अब उसने जब तक हमारे साथ रही 3-4 साल तब तक तो उसने नॉनवेज नहीं खाया, तो अब उस नॉनवेज खाती थी, पीती भी थी, और वो मॉडलिंग भी करती थी। पंजाब में जाकर उसने छोरी नंदनी की एक उसने वो बनाई है। किसकी शादी में मिले हो? प्राइम मूवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है दोस्तों। गल करते हैं घर की बुनियाद, घर की बुनियाद जो एक नौ ब्याह के लैके आने तो घर के जोड़े कि जी आता है वो एक घर का मैंबर बन जाता है दूसरे घर चो के कभी गल कह दें कि पराए घर की धीनू अपने घर लैके आए हैं तो वह पराए घर की धी उस घर च आ गया अपनापन जो दिखावे तो घर स्वर्ग बन जाता, पर जोड़े कि रिश्ते आ रिश्ते बड़े नाजुक होंगे ने। जे गल करिए तो एक पढ़े लिखे समाज की, तो पढ़े लिखे समाज के होर भी रिश्ते थोड़े नाजुक हो जाते हैं, क्योंकि जे रिश्तों के कोई गलत फहमी या किसी तरह की गलती हो जाती है तो समाज के गल फैलन तो बंदा हमेशा कतराता। बीते दिन का एक मामला आया मॉडल टाउन के बैठे हाँ जोड़ा कि बड़ी चर्चित होया भी दसया गया कि एक 3-7-8 साल की कुड़ी किडनैप करके रखा सी, पर मामले की पूरी तह तक जान लैन लई असी उस घर पहुँचे हाँ जिहड़े कल दियां तुहानूं वीडियोज़ उह भी दिखावांगे, पर उस घर पहुँचे हाँ जिस घर के विचों दी वह बेटी नूं धक्के नाल लिजाया गया परिवार नाल बैठा आ। मैं एक फोटो दिखाना चाहवांगा मेरे पिछे एक 35 साल नौजवान की जो कि दीवार के उत्ते अज फोटो के रूप के जो कि एक डॉक्टर सीगा 35 साल की उम्र के जो कि अज अपनी जिंदगी तो हाथ धो बैठा आ। वो कारण की सी वह भी तुहानूं दसदे हाँ, क्योंकि जिहड़ा परिवार हुंदा वो परिवार के जे किसी ना तरह का कोई गलत चीज़ आ जाए तो परिवार की जिंदगी नष्ट हो जाती है, परिवार परिवार नहीं रहिंदा। गल करते हैं डॉक्टर साहब की जिंदगी तो, जानकारी मुताबक डॉक्टर साहब का विआह हुंदा मिसी दे किते गलत रिलेशन हुंदे आ जिहदे खातर बीते काफ़ी सालों तो एक दूजे तो अलग रहिंदे आ, कदी कदी आंदे जांदे सी, पर देख रहे माँ भावुक होई कोल बैठी रो रही अज अपने पुत नूं याद करके, ते नाल उन्हां दे वड्डी भरजाई भी बैठी है। जानदे पूरा मामला की सीगा, क्यों अज डॉक्टर साहब इस जिंदगी
छड के चले गए ने, डिप्रैशन दसया जा रहा मौत का कारण। डॉक्टर साहब की जी कल एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें वो घर वाली कहें भी मेरी बेटी बंधक बना के रखा सी, किदा एक पूरा मामला है कि है जी? सर मैं डॉक्टर पंकज वर्मा की बड़ी भाभी हूँ। पंकज वर्मा के अपनी वाइफ डॉक्टर कशिश दत्ता के साथ पिछले 5-6 साल से डिस्प्यूट चल रहे थे। वो दोनों अलग अलग रहते थे, एक साथ नहीं थे। वो कभी कभार आती थी, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, एक बार वो 8 महीने बाद भी आई थी। तो आती थी एक आधी रात के लिए, रहती थी, वो इधर सोती थी, पंकज अलग रूम में सोता था। किसी तरह का उनके बीच में कोई तालमेल, कोई रिलेशन नहीं था। सर इसकी वजह ये थी, बस एक जन की आपके इज्जत बचाने की बात कर ले कि बस एक इज्जत के ऊपर चादर डाली हुई थी। हाँ जी बिल्कुल सर। पर मेरा बेटा रात को रोता था, रोता था। परी ने मेरे को बताया, परी ने बताया, कहते पापा रोते हैं रात को, पापा रोते हैं, तेरी मम्मी ने मेरे को यूज किया, वो गंदे अंकल के साथ रहती है, और मैं तू कभी भी अपनी मम्मा के साथ मत रहना, तेरे को संस्कार अच्छे नहीं देगी, दादी मम्मा तेरे को अच्छे संस्कार देगी, तू हमेशा अपने पापा के साथ ही रहना, दादी मम्मा के साथ ही रहना। वो मैं बोल नहीं सकती जैसी जैसी थी, फिर भी मैंने उसको अपनाने की बड़ी कोशिश की। 6 साल थे, 6 साल तो मैं ना हाथ जोड़ती रही उहदे अगे, तू कशिश आ जाए, सारी चीज़ों ते पर्दा पै जाएगा, तू आ जाए। असी किसी ने नहीं दसा, मैनू तो वैसे पता भी नहीं सीगा, वो दसदा नहीं सी, बिल्कुल नहीं दसदा सी कोई गल। वो सोचता सी आ जाए मेरी इज्जत रह जाए, वो आ जाए मेरी इज्जत रह जाए। मैं हाथ जोड़ती रही है उहदे अगे, उहदी भूआ दे अगे हाथ जोड़ती रही है। उहदी भूआ ने उहनू खूब बिगाड़ा होया, बहुत बिगाड़ा होया। जदों भी भज जांदी सी घरों, 5-6 बार भज के गई है, 6 महीने दिन छड़ के भज के गई, फिर साल दिन छड़ के भज गई, फिर वो 2.5-2 साल दिन छड़ के भज गई। वो कितने मिल जी थी भूआ दे घरों अंबाला, वो फोन आता सी भूआ का, इतने पहुँच गया कशिश, इतने मेरा मुंडा लुधियाने से अंबाला जाता सी, फिर उन्हें मना के लिए कहता सी। मेरे मुंडे ने फिर बड़ी कोशिश की है, 2018 च मेरा वड्डा मुंडा पूरा हो गया, असी उत्थे चले गए, उत्थे चले गए, तां भी कशिश ने अपनी कुड़ी ने नहीं संभाला। मेरे परिवार ने, मेरी बोटी जी का घर वाला पूरा होया, उन्हें मेरे परिवार ने और मेरी बच्ची उन्हें संभाला, कशिश नू, उन्हें परी नू, वो कभी आई नहीं, संस्कार तो आई है बस उस टाइम, उसके बाद नहीं मुड़ के देखा उसने। फिर उसके बाद फिर चार महीने बाद मेरा पति चला गया, फिर भी मेरे परिवार ने कशिश, उन्हें परी नू ही संभाला, कशिश ने मुड़ के नहीं देखा भी मेरी बच्ची किस तरह, 13 दिन तो मम्मी सोग च बैठी है, भी वो किदे कोल होगी, किस तरह रहेगी। मेरा बेटा बड़ा शोक में था, पापा को भी खो दिया, बड़े भाई को भी खो दिया, मेरे बच्चे ने पूरे परिवार को संभाला। मेरा बेटा पंकज डॉक्टर एक परिवार की रीढ़ की हड्डी था, रीढ़ की हड्डी टूट गई, मेरे परिवार को भी घेर दिया। वो इतना टेंशन में थे, इतने टेंशन में था। 40 वाला ने कहा, छोटी उम्र में 35 साल की उम्र में लीवर खराब नहीं हो सकता, ऐसी कोई दवाई इसने खाई है जो लीवर के ऊपर अटैक करा। मैं जब अमरीका, मेरे बेटे छोटे वाला अमरीका है, मेरी बेटी भी अमरीका है, मेरे पंकज डॉक्टर और दीपा वर्मा ये दोनों ही जुड़ी है। वो मेरी बेटी ने मेरी टिकट कराई है, मैं अमरीका चली गई, पीछे मेरे बेटे ने चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया कशिश नु मनाने के लिए, भी ये मन के इत्थे लुधियाना आ जाए, लुधियाना अपनी बच्ची नु संभाले और मेरे कोल रहे। और वो नहीं आई, नहीं आई, फिर मेरे पीछे उन्होंने जुकाम तो खांसी हुई है बस। पंकज ने केड़ी दवाई खाई है, केड़ी दित्ती गई है, मैनू नहीं पता। उहदे बाद उन्हें टेस्ट कराया तो लीवर दे होया, वो कहंदे भी दवाई दे नाल होया। पंकज तो मैनू यही कहंदा सी, मैं कोई दवाई गर्म मैनू दित्ती गई है भी, दवाई दे नाल मेरा लीवर खराब हो गया, वही कहंदा सीगा। पर डॉक्टर ने मैनू दस्या, कहंदे 35 साल की उम्र में लीवर खराब नहीं हो सकता, यह तो दवाई दे होया। टेंशन सी बहुत बड़ी, ये डिप्रेशन च गया सी मुंडा, ये पहाड़ जिन्ना डिप्रेशन सी इहदे शरीर ते दिमाग ते, तां ये मुंडे लीवर खराब होया। उस कुड़ी ने किधरे नहीं सुनी मेरी, किधरे नहीं सुनी, असी हाथ जोड़ते रहे, हाथ जोड़ते रहे, हाथ जोड़ते रहे, इहदे अगे भी आ जाए, इज्जत बचाने लई मेरे मुंडे ने बड़ा कुछ लुकोया साडो कोलों, पर इन्हें कभी नहीं सुनी। आँदी सी 6 महीने बाद एक बार आ गई, शनिवार नू आई, इतवार नू रही, शाम नू चली गई या सवेरे मंडे नू चली गई, सवेरे सवेरे। हुण दिवाली ने जिस दिन मेरे मुंडे नू टैग पिया, ये टैग लगा लो, दौरा लगा लो, जो भी लगा लो, धनतेरस वाले दिन 2 तारीख नू आए, वो इत्थे सीगी, इहदे सामने बीमार होया। इह मैनू कहिंदी आ ना, इह कहिंदी करदी ना मीडिया नू भी, कहिंदी आ पुलिस वाले नू, कहिंदे सानू दस्या नहीं, इत्थे सी जदों मेरे मुंडा बीमार होया 2 तारीख नू, इत्थे ही सीगी कशिश।
फिर फोर्टी से दाखिल कराया ता भी फोर्टी से फिर डॉक्टर ने फोन किया एदी भी फ्रेंड है मेरे मुंडे की भी फ्रेंड की बोटी है वो उन्हें फोन किया कसी से तेरे हसबेंड हॉस्पिटल से दाखिल है तो आ जा ये आई है इन्हें सिर्फ फाइलें देखी है वो जी पर्ची है वो देखी है फाइलें देखी है मेरे मुंडे की इनू हाथ ला के नहीं देखा भई पंकज की हाल है तेरा अपने घर वाले ने इनू हाथ भी नहीं लाया टच भी नहीं करा वो टच नहीं कर देंगे सी इनू बिल्कुल नहीं टच कर देंगे सी हाथ नहीं ला के देखा मेरा मुंडा उत्थे पाँच छः दिन रहा नहीं इन्हें मुड़ के नहीं देखा ये देख के एक आधा घंटा रुकी है मेरा मुंडा तो मेरी कुड़ी दोनों उत्थे रहे हैं फोटी च इन्हें नहीं देखा फिर असं मंदानता चले गए फिर मेरी कुड़ी ने फोन किया भी कशिश तू आ जा तू आई सी यू दी इंचार्ज है तू आ जा तू जा सकती है ये नाल डॉक्टरों ने भी यही कहा भी एक डॉक्टर चाहिए साढ़े को डॉक्टर नहीं है यदि वोटी ने बुला लो वो भी डॉक्टर है ये नहीं आई कहते मैं ओपड़ी देखागी तेरे भरा देखा फिर मेरे मुंडे ने अमरीका तो फोन किया मेरी कुड़ी ने फोन किया अमरीका तो भाभी तू चली जा मेरा भरा मौत जिंदगी लड़ता पे तू चली जा नहीं गई इन्हें साफ मना करता कहते मैंने छुट्टी नहीं मिलती मैं ओपड़ी देखा देख रहे हैं कि एक परिवार नहीं गई इन्हें मुड़ के नहीं देखा इन्हें ये भी देखा मेरी कुड़ी मेरा पापा हॉस्पिटल च है मेरी कुड़ी की हाल होएगा मेरी कुड़ी का स्कूल जाती है कि नहीं जाती मेरी सास बुढ़ी है भी अपनी सास ने देखा कुड़ी ने देखा मेरे को ये तो सारे हॉस्पिटल में थे मैं अपनी बच्ची के नाल सी फिर मैं बोटी ने बुलाया मैं क्या बिंदु तू आ जा मेरे को परिवार नहीं संभलता पहले तो हौसला रखो गल करते हैं तुम देख रहे हो परिवार की जी हालत आ सारा परिवार सदमे च है पर एक नजायज रिश्ता एक नजायज रिश्ते ने कई रिश्तों को तार तार कर दिता एक वीडियो साढ़े को परिवार वालों दिती गई वीडियो दिखाने जिस डॉक्टर पंकज वालों रंगे हाथी फड़िया गया थी उन्होंने गलत रिलेशन जिस बंदे नाल सीगे उन्होंने फड़िया गया सी उन्होंने रूम बेचो वीडियो भी तुम्हें बेच दिखाने कशिश लड़का कौन है कशिश ये लड़का कौन है तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ यार कौन है तू कब से है तुम्हारी लाइफ में पहले बताओ कब से है तुम्हारी लाइफ में कौन है तू क्या नाम है तू करता क्या है बता तो दे तू करता क्या है बता तो दे मैं तेरे से पूछ रहा हूं तू क्या करता है क्या करता है तू काम क्या करता है तो बता दे मैं प्यार करती हूं इसे शादी करोगे तुम दोनों आपस में कर लेंगे क्या नाम है तुम्हारा रोहित क्या करते हो तुम मैं काम करता हूँ क्या काम करते हो मैं सिविल इंजीनियर हाँ सिविल इंजीनियर और तुम मिले कैसे उसको कैसे मिले हो फेसबुक से मिले तुम दोनों हाँ किसकी शादी में मिले हो कुछ नहीं है इसका तू मैं कह रहा हूँ तू लड़ लेगा ना कोई बात नहीं मैं लड़ भी लूंगा कोई बात नहीं तू चिंता ना कर मैं लड़ भी लूंगा बेटे मैं लड़ भी लूंगा डॉक्टरों से ये समझना मैं लड़ नहीं सकता कौन सी शादी में मिले थे बताओ किसकी शादी में मिले थे कशिश जिदा कि हम तुसी वीडियो देखी है जिदे विच डॉक्टर पंकज जी शरेआम कह रहे ने भी ये बंदा कौन आ रोहित नाम का परसन आ जिदे नाल कमरे विच अयाशी कर रही थी कोई भी किसी भी तरह का सी वर्ड यूज कर लेंगे पर एक बंदे दी जिहड़ी अपनी लाइफ किसी तरह की बना ली एक परिवार का जी रोल दिता क्योंकि मोस्टली जिहड़े कि पढ़े लिखे एजुकेटेड परसन होंदे आ वह हमेशा अपनी इज्जत इसलिए करके दब लेंगे बचा लेंगे कि परिवार के उन्होंने जग हादसा ना बने क्योंकि एक डॉक्टर लिए बहुत शर्मनाक गल हो सकती है क्योंकि वह परिवार जे उन्हों तो बचलन हो जाए तो उ गल डॉक्टर पंकज साहब को किसी ना कि अंदरों घर कर गई 35 साल की उम्र अज वो साढ़े नहीं ने तो वीडियो भी तुम्हें दिखाई है कि उन्होंने जी वाइफ आ जिन्हों डॉक्टर पंकज नहीं MD करा के सरकारी नौकरी दवाई है पर अज उही जान की दुश्मन बन गई जिदा ही संस्कार हुंदा या ते परिवार नूं संस्कार दे बाद सिर्फ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤ ਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਥਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਬ ਹਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਥੇ ਵੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਹੀ ਹਮ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋ ਔਰ ਉਸਕੇ ਫਾਦਰ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬੋਲਾ, ਮੇਰੇ ਨੰਦੋਈ ਹੈ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਉਨਕੋ ਬੋਲਾ ਕਿ ਆਈਏ ਸਰ, ਅਬ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮੇ ਕੁਛ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕਿਆ ਹਮ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇ ਥੇ ਕਿ ਹਮ ਉਨਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ? ਜਿਸ ਘਰ ਕਾ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਥੀ, ਉਸ ਭਾਈ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਥੀ, ਹਮ ਸਭ ਕੀ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਥੀ? ਉਸਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੇ ਯੇ ਵਰਡਿੰਗ ਥੀ ਕਿ ਆਈਏ ਅਬ ਹਮੇ ਆਪਸੇ ਕੁਛ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਮ 13 ਦਿਨ ਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਇੱਕ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਹਮ 13 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਦਰੀ ਪੇ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵਹਾਂ ਨਹੀਂ ਥੀ? ਕਿਆ ਵੋ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਬਹੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਸਕਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਉਸਕੋ ਆਪਣੀ ਸਾਸ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ? ਕਹਾਂ ਥੀ ਵੋ ਸਾਸ ਕੇ ਸਾਥ? ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ? ਸਰ, 13 ਦਿਨ ਯਹਾਂ ਲੰਡਾ ਗਾਓ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਕਿੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਵੇਚ ਦੀਏ, ਕਿਸ ਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਸੀ ਏ ਕੇ ਪਾਸ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਵੋ ਦੋ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਿਖਾਓ। ਸਰ, ਜਿਸ ਕਾ ਪਤੀ ਮਰਾ ਹੋ ਵੋ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਏਗੀ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਲੇਗੀ ਸੀ ਏ ਸੇ? ਕਿਆ ਵੋ ਯੇ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਬ ਆਪ ਬਤਾਈਏ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਔਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਕੈਸੀ ਹੈ ਵੋ ਔਰਤ? ਤਬ ਉਸੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਹਾਂ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਜੇਠਾਨੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਨਦ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੈ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਮੇ? ਤਬ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਹਾਂ ਥੀ ਸਰ? ਅਬ ਜੇਠਾਨੀ ਨਨਦ ਕੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਬ ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮ ਉਸੇ ਮਾਰਤੇ ਹੈ, ਜਬ ਇਤਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਾਈਮ ਮੇ ਮੈਨੇ ਉਸੇ ਸੰਭਾਲਾ, ਮੈਨੇ ਉਸੇ ਨਹਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹਿਲਾਤੀ ਥੀ ਤੋ ਯੇ ਉਸੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਕੰਗੀ ਕਰਤੀ ਥੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨੋਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਆ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਕਾ, ਯੇ ਖਾਨਾ ਇਹਨੋਨੇ ਗੋਦੀ ਮੇ ਬਿਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ, ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਥੀ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਹੁਆ ਬੇਟਾ, ਤਾਊ ਜੀ ਕੋ ਐਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਾ, ਤਾਈ ਜੀ ਮੁਝੇ ਪਾਪਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਊ ਜੀ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੋਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸੇ ਗਲੇ ਸੇ ਲਗਾਇਆ, ਉਸਕੋ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਕਹਤੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫਰੈਂਚ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ। ਪੰਕਜ ਫਰੈਂਚ ਰੱਖਤਾ ਥਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਮਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਸੇ ਕਨੈਕਟ ਥੀ, ਵੋ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਸਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਉਸੇ ਮਾਰਤੇ ਥੇ? ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਹਮੀ ਨੇ ਤੋ ਉਸੇ ਸੰਭਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੋ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ACP ਭਿਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਥੇ, ਸੋ ACP ASI ਭਿਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਖਿਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। Anybody heard you? No. It's okay. Are you happy na? Yes. You want to come out? No. Let your mama go? Yes. Okay sir, thank you so much sir. ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 7-8 ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੀ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਭਵਿੱਖ, ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਸੇਫ ਰਹੇਗੀ, ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਕਜ ਕੋ ਕੁਛ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਬੱਚੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਬੱਚੀ ਕੋ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਪਾਏਗੀ? ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੇ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਸਰ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੇ ਰਹਿਤੀ ਥੀ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰੋ ਦੋਸਤੋ ਕੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਰਹਿਤੀ ਥੀ, ਵੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇ, ਮੁਝੇ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸਾ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਿਰਕਪੁਰ ਮੇ, ਔਰ ਸਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਇਸਨੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੀ, ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਲਾਇਆ, ਤੋ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਥੇ ਉਹਨੋਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀ ਇਸਕੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇਸਸੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਵੋ ਘਰ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਵੋ ਕੈਸੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਮਦਰ ਕੈਸੇ ਬਣੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ज पुराने जमाने दे विच बेटियां खुली छूट नहीं मिलती सी, उन्होंने पैदा होंदे ही जां तां मार दिता जांदा सी जां फिर जे पालदे भी सी तां उन्होंने पढ़ाई नहीं दिती जांदी सी। पर जिद्दां जिद्दां देखिया जांदा कि साडा जिहड़ा कि समाज आ, साडे फोन स्मार्ट हो गए पर साडे रिश्ते जिहड़े कि कच्चे हो गए आ। एक बेटी नूं जे पढ़ा लिखा के असी एक बहू दे रूप दे विच चंगा नहीं देख सकते जां एक बेटी दे रूप च चंगा नहीं देख सकते। गल सी संबंधां दी, जे संबंध नहीं सी डॉक्टर साहब नाल ठीक तो तलाक दे के अपने रिलेशन नवी जगह बना सकती सी, पर ना इन्हां नूं तलाक दिता, तलाक के कागज़ भी लाए सी डॉक्टर साहब वालों, तो रिलेशन भी दूजे गैर मर्द नाल रखना। तो एक बंदा जिहड़ा कि अंदरों अंदरों चाहे कोई भी होवे जिसका परिवार गलत हो जाए तो अंदरों अंदरों घोण वांगर पिसदा रहिंदा, तो बिल्कुल डॉक्टर साहब के नाल भरा बैठे ने उन्हां नाल भी गल कर सकते हैं। सो डॉक्टर पंकज साहब के भरा बैठे ने बड़े क्योंकि हुण इकलौते शायद यही रह गए ने, तो भैन तुहाडे नाल एक छोटा हैगा तो नाल दो भरा तो एक भैन दे नाल। सर किद्दां रहे सी डॉक्टर पंकज साहब? डॉक्टर पंकज वर्मा मेरे छोटे ब्रदर थे, बहुत ही खुश मिजाज और हंसमुख थे, बहुत अच्छा नेचर था उनका, सब लोग तारीफ करते हैं उनकी। पेशेंट को दवाई से नहीं बातों से ही ठीक कर दिया करते थे, ये हम नहीं पेशेंट्स कहते हैं। और बहुत ही खुश मिजाज नेचर के इंसान थे, सबसे हंसते थे, सबसे अच्छी बात अच्छे से बात करते थे, एम्प्लॉयज़ को भी अपने घर का मेंबर ही समझते थे, कभी उनको गलत तरह से कभी ट्रीट नहीं किया उनको। तो अब उनके साथ इंसिडेंस हुआ, आज नहीं है हमारे बीच, उनकी पत्नी ने एलिगेशन लगाया कि बच्ची को मारते पीटते, जब उन्होंने एक जो वीडियो आपने दिखाई जिसमें वो उनकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ पकड़ी गई है, तो कभी आपने भाई ने आपसे बात करने की कोशिश की, दिल की बात करते थे कभी, अपने दिल का बोझ अलगा करते थे? सर वो कभी अपनी बात ऐसी घर में उन्होंने कभी शेयर ही नहीं की, अगर उन्होंने शेयर की होती तो शायद वो हमारे बीच आज जिंदा होते। हम इस बात का सोल्यूशन निकालते और हम देखते कि ये विपदा हमारे परिवार पर नहीं पड़ती, शायद वो हमारे बीच जिंदा होते। आपको कब पता चला कि उनकी वाइफ का रिलेशन जो किसी गैर मर्द? सर एक दो दिन पहले ही पता चला है, उनका एक फ्रेंड रहता है कनाडा में, उनके साथ उन्होंने शेयर की थी बात, उन्होंने हमें वीडियोस भेजी हैं, तब हमें पता चला है। हम तो ये बात रखना भी नहीं चाहते थे आगे किसी के सामने, बट इन्होंने जो हमारे पर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, गलत एलिगेशन लगाए हैं, तब हमें मजबूर होके ये हमें बताना पड़ा। अब प्रशासन से क्या मांग करते हो? आपके साथ इतनी गलत बात हुई है, एक तो उसकी गलती नाल तुहाडे घर दा जी चला गया, एक जिहड़ी पोती आ कानून वालों तो बेशक हक माँ का बनता, पर जिहड़ी माँ आप इदां दी स्थिति विच होवे उस बेटी नूं की संस्कार देगी? की तुसीं मांग करदे हो कि बेटी बालक होने तक तुहाडे कोल रहे जां फिर उन्हां कोल रहे जां फिर किसी संस्था जां जिथे पढ़ाई लिखाई वधिया होवे होस्टल वगैरह च रहे? सर हम तो दिल से यही चाहते हैं कि बेटी हमारे परिवार में रहे, जो बेटी शुरू से लेके जन्म से लेके अब तक अपने फैमिली में रही है वो उसको फैमिली ही चाहिए, उसको सारा परिवार चाहिए, वो उसके एक बंदे के साथ नहीं रह सकती, उसको जब उस वो शुरू से ही कहती है मम्मी के साथ और भाई के पास रहती तब भी ये कहती थी पापा दादी मम्मा मुझे सारी फैमिली चाहिए, मैं मुझे फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है और मुझे फैमिली में ही रहना है। तो अब हम तो यही चाहते हैं कि वो फैमिली के साथ रहे, फैमिली के बीच रहे, ताकि उसको वैल्यूज़ मिले, जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं अपने पेरेंट्स से बच्चों को, वही वैल्यूज़ आगे हमारे बच्चों को मिले। हम इसलिए चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ लिख के, उसके पापा चाहते थे कि वो पढ़ लिख के अच्छी डॉक्टर बने, हम यही चाहते हैं कि वो फैमिली के बीच रहे ताकि वो खुश रहे और पढ़ लिख के अपने पापा का सपना पूरा करे। सो एक लेडीज़ पढ़ी लिखी डॉक्टर होने के बाद इन्ने गलत रिश्तों के बीच पई हुई है जिन्हें कि एक हादसे भारत के घर को अज उजाड़ के रख दिता। सो असी भी चाहवा कि जिहड़ी बेटी आ इन्हां दी पोती आ जे अदालत इन्हां दे हक च फैसला कर दी तां ठीक आ, नहीं तां कितना ना कि इधर ही जगह पर रख्या जाए उस बेटी नूं होस्टल वगैरह जो खर्चा है पे कर सकते हैं, पर जिहदे विच जिहदे उस पर असी अपनी राय रख रहे हैं परिवार की राय उन्हां दी दा होणगी, पर कितना कि बेटी इधर ही औरत को ना रहे ताकि वह भी भविष्य जोड़ा कि आने वाला वो कला हो जाए धुंधला हो जाए।
सो नवी असी फिर भी गल करते हैं जे होर भी किसी नूं किसी तरह की परेशानी होंगी तो प्राइम मुद्दे हमेशा एक मकसद नाल खड़ता है कि असी उहदा साथ देना है, गलत नूं गलत दसना, सही नूं सही दसना। असी किसी दे बिकाऊ नहीं है, असी गलत दा गलत कह के गल करांगे। अज जिहड़ा साडे असी पूरी तह तक पहुँचे हाँ तो वह वीडियो भी तुहानूं दिखाईआं जिहदे विच चाहे वह एक आम परिवार भी होवे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उहदी घर वाली किसी नाल संबंध बनावे, क्योंकि एक डाक्टर तो वैसे ही पेशा एडा अहुदेदार हुंदा जिहदे विच जे इदां दे किसी शख्स के उत्ते इदां दी गल आ जांदी आ तो वह अंदरों अंदर ही वैसे ही खत्म हो जाता जिदा कि डाक्टर साहब साडे विच नहीं रहे। सो यही कहांगे किसी भी किसी तरह का कोई प्राइम उहदे नाल राबता करना आ किसी का धक्का हुंदा तो जरूर प्राइम उहदे नूं याद करो। साडे चैनल के पेज उत्ते साडा नंबर हुंदा है, सो देखते रहो प्राइम उहदे नूं चैनल। कैमरामैन विनोद ठाकुर दे नाल मनोज हीरा।